Thank you असलम एवरीवान डियर स्टूडेंट्स चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एन एनिमल साइंसेज बहावलपुर में वाकई गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है ये 2014 में इस्टैब्लिश हुई और यूनिवर्सिटी में तीन फैकल्टीज़ अठारह डिपार्टमेंट्स एक इंस्टीट्यूट दो टीचिंग हॉस्पिटल और छः टीचिंग एंड रिसर्च सेंटर्स हैं चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में साल में सिर्फ एक बार ही एडमिशन ऑफ़र किए जाते हैं और दो हज़ार इक्कीस के एडमिशन का आगाज किया जा चुका है ऑफ़र होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ़ बायो साइंसेज में बी एस प्रोग्राम्स में बायो केमिस्ट्री फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जोआलॉजी ये प्रोग्राम्स मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ऑफर हो रहे हैं इसके बाद बी एस मॉनिंग प्रोग्रामिकल साइंस बायो टेक्नोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री बी बी ए बी एस कंप्यूटर साइंस इसके अलावा बी एस जोआलॉजी के पांचवें सेमेस्टर में और एम फिल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के प्रोग्राम में भी एडमिशन हो रहे हैं इसके बाद फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस में डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसन यानी डी वी एम का फाइव ईयर प्रोग्राम जो सिर्फ मॉर्निंग में ऑफर होता है इसके बाद बी एस अपलाइड माइक्रो और बी एस मेडिकल लेबॉरिट्री टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम जो कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ऑफर किया जाता है फैकल्टी ऑफ एनिमल प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी में बी एस पोल्ट्री साइंस और बी एस एनिमल साइंस और इंस्टीट्यूट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन में लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा पोल्ट्री असिस्टेंट डिप्लोमा आर्टिफिशियल आर्टिफिशियलिनेशन टेक्नीशियन डेयरी फार्म मैनेजर पोल्ट्री फार्म मैनेजर विलेज वेटररी वर्कर और आई सी टी बेस्ड लाइफ स्टॉक एजुकेशन प्रोग्राम शामिल हैं और यहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइट क्राइटेरिया देख सकते हैं डी वी एम समेत तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने साइंस सब्जेक्ट्स में मैट्रिक कम अज कम फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ जबकि एफ एस सी प्री मेडिकल भी मिनिमम फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ कंप्लीट की हो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बे के प्रोग्राम में तमाम कैटगरीज के स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट कम अज कम पैंतालीस फीसद नंबरों के साथ किया हो वो अप्लाई कर सकते हैं यानी एफ एस सी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग आई सी एस आई कॉम एफ एवल्स हर तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट्स बीबीए बी के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं बी एस कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडियट मैथ इको पैंतालीस किया हो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के के प्रोग्राम में एडमिशन लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं बी एस जोआलॉजी के में स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ए डी पी या बी एस सी कम अज कम पैंतालीस फीसद नंबरों के साथ जोआलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री जोलॉजी बॉटनी जोग्राफी या जोआलॉजी बॉटनी एडवांस कंप्यूटर स्टडीज सब्जेक्ट्स के साथ कंप्लीट किया हो और डिप्लोमा प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए सिर्फ मैट्रिक रिक्वायर्ड है और बी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 26 साल लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा और पोल्ट्री असिस्टेंट डिप्लोमा के लिए 25 साल जबकि बाकी शॉर्ट कोर्सेज में एडमिशन के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 31 साल है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इस साल सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं और वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं इसके बाद नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो चोलिस्तान यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ वेटररी मेडिसिन के प्रोग्राम में ओपन मेरिट की टोटल थर्टी सीट्स हैं बहावलपुर डिवीजन की बारह चोलिस्तान एरिया की तीन डीजी खान डिवीज़न की तीन और मुल्तान डिवीजन की भी तीन सीटें हैं और बाकी रिजर्व सीटें मिलाकर डीवीएम के प्रोग्राम की टोटल पैसठ सीटें हैं।, सीटे हैं।, सीटे हैं और टोटल पचास सीटें बनती हैं इसी तरह बी एनिमल साइंस के प्रोग्राम की सीट्स भी सेम है और यहाँ ओपन मेरिट की तेईस सीटों को मिलाकर टोटल पचास सीटें बनती हैं बी एस बायो और बी एस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की भी टोटल पचास सीटें हैं बी एस में ओपन मेरिट की तेईस सीटें और टोटल पचास बी बायोलॉजिकल साइंसेज की भी ओपन मेरिट की तेईस सीटें हैं बहावलपुर डिवीजन की दस चोलिस्तान एरिया की दो और टोटल पचास सीटें बी एस बायोटेक्नोलॉजी बी एस बॉटनी और बी एस केमस्ट्री के प्रोग्राम की सीटें भी पचास पचास हैं बी एस जोलॉजी के पांचवें सेमेस्टर में एडमिशन की भी पचास सीटें बी एस अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की भी पचास बी एस मेडिकल लिबॉटरी टेक्नोलॉजी की पचास बी बी ए के प्रोग्राम में कोई कैटेगरी वाइज कोटा सीटें मौजूद नहीं हैं जबकि पचास सीटें सिर्फ ओपन मेरिट पर ही हैं इसी तरह बी एस कंप्यूटर साइंस की टोटल वन हंड्रेड सीट्स हैं और ये सारी की सारी ओपन मेरिट पर हैं इसके बाद लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा और पोल्ट्री असिस्टेंट डिप्लोमा की अस्सी अस्सी सीटें हैं जबकि बाकी डिप्लोमा कोर्सेज की चालीस चालीस सीटें हैं और इवनिंग में ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की पचास पचास सीटें हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन वेबसाइट के ऑनलाइन पोर्टल से एकम सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है अप्लाई करने की आखिरी तारीख सत्रह सितंबर है इस साल चोलिस्तान यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और ये एंट्री टेस्ट अठारह और उन्नीस सितंबर को कंडक्ट होगा स्पोर्ट्स कोटा पर अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स का टेस्ट 22 और 23 सितंबर को जबकि हिफ्ज कुरान का टेस्ट 23 और 24 सितंबर को होगा पहली मेरिट लिस्ट सत्ताईस सितंबर को डिस्प्ले होगी जबकि क्लासेस का आगाज़ 11 अक्टूबर को होगा चोलिस्तान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के फॉर्मेट की बात करें तो टेस्ट टोटल वन हंड्रेड पर मुश्तमल होगा इंग्लिश के बीस एम एनालिटिकल के बीस क्वानिटेटिव के बीस इस्लामियात के पंद्रह पाकिस्तान स्टडीज के दस और एवरी साइंस के पंद्रह एम आएंगे टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और एंट्री टेस्ट का कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है और स्टूडेंट्स अपनी इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक से ही प्रेपरेशन करें जबकि एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव और एवरीडे साइंस के पोर्शन की तैयारी के लिए आप मार्केट से कोई अच्छी गाइड ले सकते हैं चोलिस्तान में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करना लाजमी है और अगर स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के अलावा कोई और एंट्री टेस्ट भी दिया हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा यानी अगर स्टूडेंट ने एन टी एस नैट या एसी का हो और वो क्वालिफाई भी किया हो तो उन एंट्री बेसिस पर एडमिशन नहीं होगा बल्कि तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट लाजमी देना होगा इसके बाद चोलिस्तान यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो डीवीएम का प्रोग्राम सिर्फ मॉर्निंग में ऑफर हो रहा है जबकि बी का प्रोग्राम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में और इनके फी स्ट्रक्चर की बात करें तो डी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी अड़तालीस हज़ार जबकि बाकी सेमेस्टर की बत्तीस हज़ार चार सौ रुपए है और बस एम के प्रोग्राम के मॉर्निंग का फी स्ट्रक्चर सेम है जबकि इवनिंग में पहले सेमेस्टर की फ़ी अस्सी हज़ार चार सौ रुपये जबकि बाकी सेमेस्टर की चौंसठ हज़ार आठ सौ रुपये है और बी एस के अलावा बाकी तमाम बी एस फोर ईयर प्रोग्राम्स के फ़ी स्ट्रक्चर में पहले सेमेस्टर की फ़ी चवालीस हज़ार रुपये जबकि सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स उनतीस हजार सात सौ रुपये है और इवनिंग के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी तहतर हज़ार सात सौ रुपये और बाकी सेमस्टर्स की उनसठ

और इवनिंग का मॉर्निंग काइड माइक्रो बायोलॉजी का मॉर्निंग का सिक्सटी थ्री पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट और बी एस कम्प्यूटर साइंस का मेरट फोर्टी फाइव पॉइंट नाइन परसेंट था पिछले साल यूनिवर्सिटी की तरफ से एंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं किया गया था और सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पर मेरिट कैलकुलेट किया गया था इस साल मेरिट फार्मूला चेंज हो रहा है जिसकी वजह से क्लोजिंग मेरिट्स पर भी फर्क पड़ सकता है चोलिस्तान यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज से होगा यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दिया गया है इस पे क्लिक करने से आप इस पेज पर आ जाएंगे और ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो क्लिक है टू साइन अप के बटन पर क्लिक करें और यहाँ तमाम स्टूडेंट सबसे पहले प्रोग्राम्स की सिलेक्शन करें कि क्या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया जा रहा है या पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा इसके बाद अपना सी अपना फुल नेम फादर नेम और ई एड्रेस मैंशन करें और कोई सा पास पासवर्ड सेलेक्ट करें और उसे दोबारा यहाँ पे टाइप करें सारी इंफॉर्मेशन कम्प्लीट करने के बाद साइन अप के बटन पर क्लिक कर दें वेबसाइट पर साइन अप करने के बाद वन वन बाय तमाम स्टेप्स करते अपने कैंडिडेट्स को अपनी पर्सनल इफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी और पिक्चर अपलोड करनी होगी इसके अलावा कैंडिडेट्स को अपनी अकेडेमिक इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके पास इंटरमीडिएट का रिजल्ट अवेलेबल नहीं है तो वो अप्लाई करते हुए अपने मैट्रिक के मार्क्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और इंटरमीडिएट के रिजल्ट के पोर्शन में रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड मेंशन कर दें और कैंडिडेट्स को अपने सेकंड ईयर एग्जाम्स का रोल नंबर और ईयर लाजमेंशन मेंशन

करने के बाद गो टू फाइनल बटन पर क्लिक कर दें और वेरीफाई एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करने से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी चोलिस्तान यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हैं